तो कैसे हो लौंडो? उम्मीद भाई लोग अच्छे हो। गाइस आगे भी एकदम ओपी रहना। आगे तुम्हारा भाई एक और ओपी सी वीडियो लेके। यार तुम लोगों ने थ्री फिंगर फोर फिंगर प्लेयर तो बहुत देखे होंगे। आखिर हमारे राइस्टार भाई भी मोबाइल में थ्री फिंगर पे शिफ्ट कर ही लिए थे। और बाकी हमारे वाइट FF भाई और बहुत सारे ऐसे लेजेंडरी प्लेयर्स हैं जो कि थ्री फिंगर में खेलते हैं और मिलियंस ऑफ व्यूज मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स लेके बैठे हुए हैं यूट्यूब पे। और फोर फिंगर भी तुमने काफी बंदों को देखा होगा, यहाँ तक कि मैंने पिछली वीडियो फोर फिंगर प्लेयर्स के ऊपर ही बनाई थी। बट क्या तुम लोग जानते हो कि फ्री फायर में फाइव फिंगर क्लॉ खेलने वाले प्लेयर्स भी बहुत सारे हैं और उनका फाइव फिंगर क्लॉ में बहुत ही ज्यादा खतरनाक गेम प्ले है। अब फाइव फिंगर के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये भी तुमको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। और वैसे फाइव फिंगर खेलने के ज्यादातर डिसएडवांटेज हैं और बहुत ही कम एडवांटेज हैं। अब एडवांटेज किन लोगों के लिए है वो भी मैं वीडियो में तुमको आगे बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना और वीडियो बहुत ही ओपी बने कसम से बता रहा हूँ। तो अपनी इस वर्ल्ड के फाइव फिंगर क्लॉ बेस्ट प्लेयर की लिस्ट को शुरू करते हैं। तो हमारे इस लिस्ट में नंबर थ्री पे जो आते हैं उनको तुम में से बहुत सारे बंदे जानते होंगे। उनका नाम है चार्लेज और बता दूं कि इन्होंने फाइव फिंगर क्लॉ की सिर्फ एक ही वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की है, क्योंकि भाई इनको एक ही वीडियो में पता चल गया कि फाइव फिंगर क्लॉ खेलना कितना ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इनके उस वीडियो पे मिलियंस ऑफ व्यूज है यार। और जैसा कि तुम लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होगे इनके हैंडकैम में कि फाइव फिंगर क्लॉ खेलना कितना ज्यादा मुश्किल है, और वो भी ये फाइव फिंगर क्लॉ आईफोन 8 में खेल रहे हैं यार, आईफोन 8 प्लस में, जिसका स्क्रीन काफी छोटा होता है, तो उस पे फाइव फिंगर क्लॉ खेल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि यार अगर तुम देख पा रहे होगे तो इनकी जो उंगलियां है वो डिस्प्ले पे चारों तरफ फैल जा रही हैं, जिससे कि इनको अपना एनिमी भी नहीं दिख रहा है। और पता नहीं यार ये ऐसे ग्लू कैसे मार पा रहे हैं जब इनको खुद का एनिमी नहीं दिख रहा है, तो पता नहीं कैसे यार वन टैप और ग्लू इतने परफेक्शन के साथ मार पा रहे हैं। यार इनके लिए एक सैल्यूट तो होना चाहिए। बट ये नंबर थ्री पे इसलिए हैं क्योंकि यार इन्होंने फाइव फिंगर क्लॉ बिल्कुल छोड़ ही दिया है, अब ये थ्री फिंगर ही खेलते हैं। क्योंकि यार जैसा तुम लोगों ने देखा कि ये कितनी दिक्कत होती है फाइव फिंगर क्लॉ खेलने में, इनका पूरा डिस्प्ले कवर हो जाता है, इसलिए इनको फाइव फिंगर क्लॉ खेलना छोड़ना पड़ा। बट इनका थ्री फिंगर गेम प्ले बहुत तगड़ा है, अगर ये फाइव फिंगर में कंटिन्यू रखते तो ये हो सकता है हमारी लिस्ट के टॉप वन पे होते। बट इनका गेम प्ले अभी भी ओपी है। आखिर ये मेरे इंस्पिरेशन जो है, मैंने इन्हीं से इंस्पिरेशन लेके चार्लेज 2.0 हुड बनाया था, जैसा कि तुम लोग जानते ही होगे। चार्लेज 2.0 हुड में मेरा गेम प्ले चैनल पे अवेलेबल है, जिसपे की ऑलमोस्ट 10K व्यूज है, और भी गेम प्ले आगे ऐसे डालता रहूंगा, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी उस हुड पे। बाकी हमारे चार्लेज भाई का गेम प्ले आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बता देना, और इनके चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से जाके इनका चैनल चेकआउट कर सकते हो। चलो अब आते हैं अपनी लिस्ट के नंबर टू की ओर। अब देखो भाई, नंबर टू और नंबर वन में मेरे को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही थी कि मैं नंबर टू किसको दूं, नंबर वन किसको दूं, क्योंकि जो दोनों प्लेयर है नंबर टू और वन पे लगभग उनका गेम प्ले एक जैसा ही है, मतलब एक लेवल का ही गेम प्ले है। अब मेरे को बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था कि मैं किसको नंबर टू दूं किसको नंबर वन दूं। बट यहाँ मैंने इनके जब और वीडियोस देखे और गेम प्लेस देखे और अदर चैनल पे भी जब इनके गेम प्लेस देखे, तब मैंने डिसाइड कर लिया कि किसको कौन से नंबर पे रखना है। तो नंबर टू पे जो हमारे फाइव फिंगर क्लॉ प्लेयर आते हैं उनके चैनल का नाम है लैन, जैसा कि तुम लोग स्क्रीन पे देख ही पा रहे होगे। यार इनके गेम प्ले के बारे में कुछ भी कहने से पहले मैं इनके गेम प्ले का एक छोटा सा प्रीव्यू दिखाना चाहूंगा। Hey, shawty rocking chrome hard jeans and a Montclair jacket. She a got this, hella crazy, hella ratchet. Pulling up the chrome, I'm about to start a racket. Smoking on this pressure, take me to an A. Shawty rocking chrome hard jeans and a Montclair jacket. तो कैसा लगा गेम प्ले, है ना एकदम नेक्स्ट लेवल का? भाई इनकी फाइव फिंगर क्लॉ में इतनी ज्यादा एक्यूरेसी है, मैं देख के हैरान हो गया। और इनके वन टैप इनके हेडशॉट बहुत ज्यादा स्मूथ लगते हैं, और खासकर जो इनका बहुत बढ़िया लगता है मेरे को, इनका यूनिक कस्टम हुड देख रहे हो यार, वेपन वाला कहाँ लगा रखा है लेफ्ट साइड में। मैंने और प्लेयर्स को देखा है राइट साइड में होता है, किसी का नीचे होता है, लेकिन यार इनका तो बिल्कुल ही यूनिक है, पूरा लेफ्ट में घुसा दिया इन्होंने। और लॉन्डो देख रहे हो, वो भी ये किस हैंड से टच कर रहे हैं, मतलब किस फिंगर से टच कर रहे हैं यार, थर्ड फिंगर से। ये पूरे गन वाला जो वो सिस्टम होता है, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं यार, बहुत मुश्किल होता है, पता नहीं यार ये कैसे कर लेते हैं, मैं खुद देख के बहुत हैरान हो जाता हूँ। हम लोगों की तो उंगलियां लिपट जाएंगी ऐसे करने में। कुछ भी को यार, यूनिक कस्टम हुड है और गेम प्ले एकदम ओपी लेवल का है, इसीलिए तो ये वर्ल्ड के टॉप थ्री प्लेयर जो कि फाइव फिंगर क्लॉक खेलते हैं उसकी लिस्ट में नंबर टू पे आते हैं। अब चलो आते हैं अपनी लिस्ट के नंबर वन की ओर, जिसका कि हर किसी को बेसब्री से इंतजार होगा। नहीं यार, तुम लोग भी सोच रहे होगे कि नंबर वन पे ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसका गेम प्ले की इन दोनों प्लेयर से भी बहुत तगड़ा है। अच्छा चलो, तुम लोगों को मैं डायरेक्ट उसका गेम प्ले दिखा देता हूँ जो हमारी लिस्ट के नंबर वन पे आता है। काला
मार लूं। अब वो चार यार देखा अपने से ही हो यार, क्या ही ओपी गेम प्ले यार इनका फाइव फिंगर क्लॉ में। हमारे फाइव फिंगर क्लॉ में मिस टच होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन इनका तुम अगर नोटिस करो तो इनका मिस टच बहुत ही कम हो रहा है। मतलब तुम लोगों को अभी तक तो मिस टच दिखाई नहीं होगा मेरे ख्याल से। यार इनका बिल्कुल परफेक्ट गेम प्ले फाइव फिंगर क्लॉ में। बहुत मुश्किल होता है फाइव फिंगर क्लॉ सीखना, लेकिन इन्होंने अपने गेम प्ले को एकदम परफेक्ट कर रखा है। और इनके चैनल का नाम है गारा FF। और मैं बता दूं कि अगर ये वीडियो मैं आज से 2 महीने पहले बना रहा होता तो गारा FF भाई हमारे नंबर 2 पे होते और लेंस भाई हमारे नंबर 1 पे होते। लेकिन इन्होंने 2 महीने में अपना गेम प्ले इतना ज्यादा इम्प्रूव किया है, सही बता रहा हूँ। मैं इनको बहुत पहले से फॉलो करता हूँ इसलिए जानता हूँ। तो हमारे गारा भाई ने अपने गेम प्ले को इतना ज्यादा इम्प्रूव किया है कि ये हमारे लिस्ट के टॉप 1 पे आ गए हैं। पहले इनके गेम प्ले में काफी मिस्टेक्स दिखती थी, मिस टच हो जाता था बहुत बार, लेकिन अब इनका गेम प्ले और इनके एक्यूरेसी के बारे में क्या ही बोलूं, तुम लोग स्क्रीन पे खुद ही देख पा रहे होगे। हमारे लेंस भाई का गेम प्ले भी कम नहीं है। पहले मैंने सोचा था कि हमारे लेंस भाई को टॉप 1 पे रखा जाए, लेकिन यार जब मैंने इनकी इम्प्रूवमेंट देखी ना, जिस स्पीड से ये अपने गेम प्ले को इम्प्रूव कर रहे थे, उस अकॉर्डिंग मैंने इनको अपनी लिस्ट में नंबर 1 पे रखा है। यार तुम लोग कमेंट करके बताना है तुमको कैसी लगी ये लिस्ट। और फाइव फिंगर क्लॉक की सबसे बड़ी मुश्किल यही होती है कि उसके कस्टम मोड में जो बटन्स होते हैं वो इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि तुम लोगों को लगेगा कि वो पीसी प्लेयर है। और मैं तो खुद कई बार सोचता हूँ यार इतने छोटे बटन्स पे ये लोग टच कैसे करते हैं। और ऐसे में बताऊं भाई, मैं जब इनका हैंड गेम देखता हूँ ना, तो मुझे लगती है कि इनकी उंगलियां 4 बार लिपट जाती होंगी स्क्रीन पे भाई। हाथ इनके टेढ़े मेढ़े हो जाते होंगे यार, किस तरह खेल लेते हैं ये। मैं एक बार खेलने की कोशिश किया था फाइव फिंगर क्लॉ, मेरी उंगलियों में दर्द हो गया, 4 दिन तक मेरी उंगलियां सीधी नहीं हुई। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, सीरियस मत लेना। लेकिन हाँ यार, दर्द तो होता है जब खेलते हैं, हाथों में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है फाइव फिंगर क्लॉ खेलते टाइम पे। बट मैं बता दूं, फाइव फिंगर क्लॉ खेलते कौन है? फाइव फिंगर क्लॉ वही लोग खेलते हैं जिनको यूट्यूब पे वीडियोस बनाने हैं, जिन लोगों को और बंदों से थोड़ा हट के खेलना होता है, थोड़ा सा हट के अपना गेम प्ले दिखाना होता है, वो लोग फाइव फिंगर क्लॉ पे शिफ्ट कर जाते हैं और उससे बहुत प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद वीडियोस बनाते हैं और फिर तुम लोगों को एंटरटेन करते हैं। और अगर कोई नॉर्मल प्लेयर फाइव फिंगर क्लॉ शिफ्ट करना चाहता है तो मैं पहले बता रहा हूँ यार, बिल्कुल मत करो, कोई भी एडवांटेज नहीं है अगर तुम यूट्यूबर नहीं हो तो। बल्कि डिसएडवांटेज इतने सारे हैं कि मैं तुमको गिनवाऊंगा तो ये वीडियो छोटी पड़ जाएगी। यार मैं बता दूं, फाइव फिंगर क्लॉ खेलना बहुत मुश्किल होता है। अगर तुम लोग सोच रहे हो फाइव फिंगर क्लॉ पे शिफ्ट होने का, तो मैं तुमको बता दूं ये बिल्कुल गलत आइडिया है। फाइव फिंगर क्लॉ उतना अच्छा भी नहीं है जितना तुम लोग सोचते हो। सबसे पहली बात, फाइव फिंगर क्लॉ खेलना बहुत ज्यादा मुश्किल है और उसमें गेम प्ले तुम्हारी और ज्यादा स्लो हो जाएगी। अगर इतना डिसएडवांटेज है फाइव फिंगर क्लॉ खेलने के, तो हमारे ये प्लेयर्स कैसे खेल लेते हैं फाइव फिंगर क्लॉ? अब मैं बता दूं कि फाइव फिंगर क्लॉ खेलने के एडवांटेजेस भी हैं, लेकिन वो एडवांटेजेस उन्हीं के लिए हैं जिनका कि एक यूट्यूब चैनल है और जिनको यूट्यूब पे ग्रो करना है, क्योंकि यूट्यूब पे यूनिक कस्टम मोड वाले गेम प्ले बहुत ज्यादा देखे जाते हैं और ये बात ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और इसीलिए अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए इन्होंने फाइव फिंगर सीखा और उसके हैंड गेम वीडियोस अपलोड करने शुरू कर दिए, क्योंकि यार हर किसी को पसंद है एक यूनिक सा कस्टम मोड देखना और उस पे गेम प्ले देखना। तो अगर तुम लोगों का किसी का चैनल है और तुम लोगों को अपना चैनल ग्रो करना है, तो फाइव फिंगर क्लॉ तुम लोग सीख सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। हम भी मेहनत करते हैं, 4 घंटे लगते हैं यार वीडियो एडिटिंग करने में, रिकॉर्डिंग की तो बात छोड़ो, एडिटिंग में 4 से 6 घंटे लगते हैं। तो यार तुम लोग एक सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते? बताओ यार, तुम्हारे एक सब्सक्राइब से मुझे अंदर से मोटिवेशन मिलती है कि मैं और वीडियोस बनाऊं। और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता यार, कर दिया करो सब्सक्राइब। इतने लोगों को आज तक सब्सक्राइब किया हुआ है यार, वीडियो इतनी देर तक तुम देख रहे हो, मतलब तुमको पसंद आई है, और पसंद आई है तो यार सब्सक्राइब कर दो। आगे भी ऐसे ओपी ओपी वीडियोस में लाते रहूंगा। और अगर तुम लोग लाइक करते हो वीडियो को, तो वीडियो रिकमेंडेशन में जाएगी, मतलब और लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी, यूट्यूब का कुछ सिस्टम ही ऐसा है। तो वीडियो पसंद आता है लाइक ठोकी देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, जैसा कि मैंने बताया कोई पैसे नहीं लगते हैं सब्सक्राइब के। बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना। फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी और ओपी से टॉपिक के साथ। और वीडियो तो पसंद आई होगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी कर दो इस वीडियो को शेयर।